बार बार सेम ही कमेंट आ रहे थे कि आप वहाँ साइड पे बुला लेते हैं, उसके बाद में मशीन कितना टाइम सिखाने को दिखा देते हैं, चलाते कैसे हैं, तो वो सारा डिटेल आज बारीकी से आप देख लो, बेसिक क्या क्या बताते हैं मशीन के बारे में। और जिसको भी एक्सकैवेटर मशीन चलाना सीखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें। जो आर्थिक कर लियो थोड़ा ऊपर में आर्थिक में नीचे यार में थोड़ा ऊपर से नीचे कर दिया नीचे के लिए नीचे रह गई है थोड़ा थोड़ा जगह से बच्चे से हम नीचे भी नहीं है हम ऊपर ऊपर भी आर्मिन करते आ जाओ सिम करते थे आर्मिन और हार्मिन और बूम डॉट तीनों एक साथ होना चाहिए। यहाँ पे आकर के डॉट नहीं करना, इधर से सिम करते आना सीधा पॉइंट पे लगना तो सारा बच्चे पास हो स्विंग भी करना बूम भी डॉट करना हर बच्चों की मेंटेन करके ला लो ताकि सर आकर के लग जाना। ओके क्या सर्विस एबिलिटी होता है, तो सर्विस एबिलिटी है इंटरवल्स। जब सर्विस जब हम सर्विस करते हैं मशीन की सर्विस करते हैं तो उसका इंटरवल समाप्ति कब होता है, तब उसको चेंज करते हैं है ना बदलते हैं। तो ये सारा चीज आप तो सबको मालूम होना चाहिए, अभी जहां तक सीखा वहां तक मालूम हो वो भी अच्छा है। ये भी मालूम है इंजन ऑयल कितने ओवर में चेंज होगा कितना कैपेसिटी है, तो अब कैपेसिटी के बारे में जानो चेंज हवर के बारे में बताएंगे पढ़ो। तो देखो इंजन ऑयल है 25 लीटर कैपेसिटी क्या है किस मशीन में वोल्वो एसी ऐसा नहीं कि सारे मशीनों में यही है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। तो अपनी मशीन जो है अपने पास जो मशीन है उसकी कितना है 25 लीटर का कितना है 32 लीटर नहीं 35 लीटर प्राइम में 32 लीटर है
और वो इंस्ट्रूमेंटेशन जो है बी और प्राइम दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग मशीनें हैं, मतलब एक अप टू डेट वर्जन है। तो प्राइम में कितना है 32 निकला और बी में 35, बी सीरीज में 35। हाइड्रोलिक टैंक का कैपेसिटी क्या है? मल्टीप्लिकेशन है अभी बी सीरीज में भी 160 है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में, तो हाइड्रोलिक सिस्टम टोटल कितना है? 295 लीटर, 295 अपनी मशीन में और प्राइम में 250 लीटर। इसी प्रकार फ्यूल टैंक का कैपेसिटी 350 लीटर है और हमारे बी है तो उसकी कितना है? 8.8 मॉडल है टाइम का वो बताए, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए। गेट का चार्ज को पकड़ रहा है, जब भी बल्ब